कोर्ट का भी आदेश है चाहे गौवंश को अन्य जगह पे स्थानांतरित करें जहाँ पे रहवासी इलाका नहीं हो। तो वे तो जिद्दी जोड़ मुड़ा पड़े मैं तो गौशाला में जाने बंद कर दियो, ये तो पाप हो रही है, यूं तो जाटू पकड़ पर ले जाओ उठते पाप को ले जाओ। गौ पालन या जो भी पशु पालन कर रहे हैं हमारा हाथ जोड़ने नम्र निवेदन है कि आप नंदी ने यूं मत छोड़ो, सेव नंदी। और जो पार्कों के पास छोड़ देते हैं उनको भी हम हिदायत दे रहे हैं, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं नियमानुसार। इस मंथ की मैं अगर बात करूं तो करीब 550 गोवंशों को हमने पकड़ के जमा करवाया उनको। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल अमार। मैं हूं सारा नगर क्षेत्र में। आपने बता दूं कि कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था मैं, जिन वक्त रात रा समय मैं बिलाड़ा से आ रहे थे जोधपुर शहर की तरफ, तो उन बीच में गांव आएगा कापड़ा गांव, उन गांव में रात रा समय करीब 9 बजे मैंने काफी सारा गोवंश बैठा हुआ मिला, जिन लेर मैंने चिंता हुई कि शायद मारे पीछे भी अगर कोई अठे से तेज रफ्तार में आयो तो अठे बहुत बड़ो हादसा हो सके, क्योंकि बहुत सारा गोवंश रोड माते बैठा हुआ था और कई ऐसी जगह थी जटे रोड लाइट भी नहीं लगी हुई थी। उन कार्रवाई के बाद आपने बता दूं कि एक नोटिस जारी किया गया पशुपालन विभाग की तरफ से। इन अलावा आपने बता दूं कि आज सारानगर में इन क्षेत्र में भी अठे कार्रवाई हो रही है नगर निगम दक्षिण की तरफ से। फिलहाल के लिए आप देख सको इन वक्त मैं जोधपुर के सारानगर में हूं, पुलियर नीचे अठे आप देख सको प्रभारी आवारा पशु गैंगरा राकेश जी है, ये आज अठे कार्रवाई कर रहे हैं। अठे जो गोवंश है आवारा जो रोड में तो घूम रहे वाने हटा रहे हैं, यूं जानकारी ला। इसमें जैसा कि आप देखेंगे हाईकोर्ट का भी आदेश है, जिन लोगों ने रहवासी इलाकों में गाय पाल रखी है उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपना गौवंश को अन्य जगह पे स्थानांतरित करें जहाँ पे रहवासी इलाका नहीं हो। सबसे पहले तो ये कार्रवाई चल रही है, उनको पाबंद भी किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी रोड पे सांड वगैरह जो है सब मैक्सिमम जो हादसे हो रहे हैं वो सांड की वजह से हो रहे हैं। वो अभी जो दक्षिण आयुक्त है की सुबह मंगल उनके आदेश है मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं सांड को हम कवर कर रहे हैं। और इस मंथ की मैं अगर बात करूं तो करीब 550 गोवंशों को हमने पकड़ के नगर निगम नांदड़ी गौशाला है वहां पे हमने जमा करवाया उनको। और डेली हमारी कार्रवाई चल रही है जिसमें 25 से 30 जानवर हम डेली पकड़ रहे हैं और उनको नांदड़ी गौशाला भिजवा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा उत्तर और दक्षिण में दोनों में एक एक टीम बनी हुई है जिसका आवारा पशु नियंत्रण दल के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें कम से कम 15-15 कर्मचारी काम कर रहे हैं कंटिन्यू, कोई हादसा ना हो, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई बुजुर्ग को नहीं मारे। और जो पार्कों के पास छोड़ देते हैं उनको भी हम हिदायत दे रहे हैं, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं नियमानुसार। ये जो टोकड़ा ने बारह छोड़ दिया गया है माते कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कानून नहीं बनोड़ा? नहीं सर, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उनको कोई पाबंद किया जाए, बट हाँ जो होता है उसको हम पकड़ के ले जाते हैं जिसको हम नांदी गौशाला छोड़ते हैं। गायो नहीं लेन जावे, कुछ गायो बचिया देवे उठे तो बचिया गायो भी चिक दी जावे बचिया भी, तो बच्चो ना बच्चो वार्ड अलग रखो अलग बाड़ो रखो, तो भाई तो चिक दी जो मुड़ा पड़ी मैं तो गौशाला में जाने बंद कर दियो, ये तो पाप हो रही है, यूं तो जाटू पकड़ पर ले जाओ उठते पाप को ले जल जान जाटी से खुले फिरे रम में बापड़ा चले बापड़ा। फिलहाल आप देख सको इन वक्त तुम्हारे सामने जो है संजू लता जी है जो की बीजेपी राम मंडल सदस्य है और कई सामाजिक कार्य में भी आगे बढ़ चढ़ कर आया करे। यह जानकारी ले आप कि आप देख सको आज सारानगर क्षेत्र में आज आपरे क्षेत्र में ही अठे कार्रवाई हो रही है नगर निगम की तरफ से, जो गोवंश जो आवारा घूम रहे रोड में आते जन कारण हादसा होया करे वहां लेन जा रहा है। तो इन बार आपने कहा कि जो लोग गाय तो पाल ले हुए लेकिन गोवंश जो बछड़ा होया करे वहां छोड़ दिया करे। मारी तो जनता जिको भी गोवंश पाल रही है उन्हें मारो यही कहना है कि जो भी आप गौ पालो तो आप उन्हें नंदी ना बारे में छोड़ो, या तो आप गौशाला में गाल उन्हें रसीद कटो और या फिर आप घर मान रखो। आजकल गौ रे दूध बहुत कम होने लगे उन्हीं वजह आई जे क्योंकि जो नंदी है उन्हें छोड़ दे, उन्हें अच्छो चरावे नहीं, ऊंचो खिलावे नहीं, अच्छो पिलावे नहीं, इन वजह से कही गाय भी दूध कम देवे और बच्चे जो भी हुए वे सब कमजोर हो गए। उन वजह कही है कि दूध माते नुकसान है, अगर दूध धंधो भी करनी चाहो आप तो बच्चे नंदी ने चित्र रखो, नंदी अगर अच्छो खावेला अच्छो पीवेला तो आपने दूध भी बढ़ेला, आपने जो भी खेत माने फसल होवे जो आप गोबर डालो वो डालो तो आपने कुछ न कुछ नंदी देनी जावेला। अगर आप उन्हें अच्छी सेवा करो लो तो गोबर होवेला, आप उन गोबर ना आप पेड़ पौधा में डालो, आप खेत में डालो, आपने जमी उपजो हुए तो आप नंदी ने क्यों बारे छोड़ो। हमारे हाथ जोड़ने जो भी गौ पालन या जो भी पशु पालन कर रहे हैं हमारा हाथ जोड़ने नम्र निवेदन है कि आप नंदी ने यूं मत छोड़ो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप देखो कि इंसान अगर लड़को पैदा हुआ तो बहुत खुशी मनाया करे,
और लड़की पे तो थोड़ा अफसोस जताया करे, क्यों? क्योंकि जो एक बेटो होया करे वो आप बुढ़ापर लकड़ी जेवे आप वंश बढ़ावे, लेकिन गाय माता साथ में देखो आपकी गाय पैदा हो तो बहुत खुशी मना, लेकिन बछड़ा ने छोड़ देवे तो कितना स्वार्थी इंसान है, बारे में आपने क्यों है? तो मैं तो आपने पहले भी यही कहा सर कि जो भी आप गाय लाओ खरीद रहे हो ना पाल रहे हो सिर्फ दूध वास्ते मत पालो, उन्हें आप सेवा रे भाव न रखो तो आप नंदी की भी सेवा करो। नंदी भी आप जब अगर गाय आपने दूध दे रही है तो नंदी भी आपने गोबर दे रही है, या जो नंदी रो गौमूत्र है इन दवाया बन रही है इन रोग खत्म हो रहा है तो आप ऐसी जगह संपर्क करो जट आयुर्वेदिक दवाई बन रही है तो आप जो गोबर है जो गौ मूत्र है जो भी आप दूध है पंचगव्य है उन्हें बहुत अच्छी दवाई बन रही है आयुर्वेदिक उपचार हो रहा है तो आप भारत हो क्यों आप नंदी ने बचाओ सेव नंदी। आप बिलाड़ा क्षेत्र भी देखा करो तो आपने बताऊं कि मैं रात रहे उन साइड से आ रहा था कापड़ा गांव में भी रोड माते बहुत सी बैठी रह करे गोवंश गो माता हो रहे तो कई लोगों ने मालूम नहीं है कि कई कार्रवाई हुआ कर की कर गौशाला में पहुंचाना है, आपको जानकारी से वो की मतलब पे करनो रिया करे? जो भी फर्स्ट टाइम तो बस बात आ है कि जो भी गाय पाले दूध दुहे और उन गाय ने छोड़ दे बारे और वे जो जान सड़क में बैठे तो मारो वाना वो कहना है कि भी आप गाय ने या तो आप बाड़े में बंद हो आप रे मारो गाय बस वो ही कहना है कि आप गाय ने तो यूं तो घनी पूजो हो पर जब बछड़ा हो जावे बच्चा मैंने बाहर निकाल जितना गाय दूध दे तो आप रखो फिर गाय ने बच्चा ने दोरी ने बाहर निकाल दो आप बहुत मूर्खता है लोग ऐसा तो आप रखो मत और रखो तो बहुत अच्छी सेवा करी हूँ तो आप बच बारस ने घनी गाय री टोकड़ा री पूजा करो भगवान शिव जी का मंदिर में नंदेश्वर की पूजा करो ऐसी पूजा में कोई मतलब नहीं है जब बच्चा ने आप यूं टोकड़ा ने यूं निकाल दो फिर आधा यूं करता रहे और बड़ा बुजुर्ग लोग जावे गाय रस्ता में रहे पहले मार देवे पटक देवे ऐसा कई मतलब आपने। तो फिलहाल यह थी एक रिपोर्ट जो मैं आपने बता रहे थो जिनमें आप देख रहा था कि कीकर नगर निगम वाला जो है अटे से गोवंश ने लेन जा रहे हैं और वे पूरी विस्तार से बात ही बताई है और इन अलावा जो बीजेपी री जो मंडल री सदस्य थी वे भी अपनी बात रखी है। तो फिलहाल अगर आपने वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और यूं ही अपना प्यार विश्वास बनाए रख जो। मैं हूं आपके बीच में आपके दोस्त दीपक जल को जोधपुर से, धन्यवाद।